हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कोमल और स्वागत है आपका कोमल किचन में। आज मैं आपके लिए कटलेट की रेसिपी लेकर आई हूँ। कटलेट तो आपने बहुत खाया होगा लेकिन मैगी वाला नहीं, तो आज मैं आपके लिए मैगी से बना हुआ ये मैगी कटलेट की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो सबसे पहले हम कढ़ाई गरम करेंगे। कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। ऑयल के गरम होते ही हम एक मीडियम साइज़ के प्याज डाल देंगे। तो प्याज को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, तो प्याज को सुनहरा होने तक पकाएं। तो जैसे ही प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, हम इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देंगे। तो अदरक डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो 10 सेकंड के लिए अदरक को भी पका लें। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले हमें ज़्यादा नहीं लेना है। तो मसालों मैंने 1/4 टेबल स्पून हल्दी, 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च और धनिया पाउडर लिया है 1/4 टेबल स्पून। लास्ट में ये मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। तो इन सभी को हम मिक्स कर देंगे और मसालों को 1 मिनट के लिए पकाएंगे। मसाले हमारे जलने नहीं चाहिए। तो जैसे ही मसाले हमारे पक जाएंगे तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी मैंने 2 कप लिया है। अगर आप एक पैकेट मैगी का यूज़ कर रहे हैं तो 1 कप पानी डालें। मैं 2 पैकेट यूज़ करूँगी तो मैंने 2 कप डाला। तो पानी में एक अच्छा बॉईल आने दें, ताकि पानी में अच्छा हमारा बॉईल आ चुका है। तो अब हम इसमें मैगी डाल देंगे। तो मैंने 2 पैकेट मैगी लिया है। तो मैगी का टेस्ट मेकर बाहर करके अभी हम मैगी को डालेंगे इसमें। तो दोनों पैकेट मैगी को हम इसमें डाल देंगे। मैगी डालने के बाद हम इसे मिक्स कर देंगे ताकि मैगी हमारी पक जाए जल्दी से। तो अब हम इसमें डाल देंगे मैगी का ये जो टेस्ट मेकर है वो डाल देंगे। दोनों पैकेट में डाल रही हूँ। इसमें टेस्ट मेकर डालने के बाद हम इसे फिर से मिक्स कर देंगे। तो मैगी में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, मैगी बिल्कुल हमारी ड्राई रहे। तो हमें इतना इसे पकाना है। तो पानी का यूज़ आप ज़्यादा ना करें। तो बस इसी तरीके से हम इसे 1 मिनट पका लेंगे। तो मैगी हमारी बनकर तैयार है। तो अब हम इसमें लास्ट में हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने के बाद इसे भी हम मिक्स कर देंगे। इसे मिक्स कर दिया मैंने। अब मैं इसमें नमक डालूंगी। तो बस थोड़ा सा लास्ट में नमक का यूज़ करें। बहुत ज़्यादा नमक बिल्कुल भी ना डालें, वरना नमक, क्योंकि मैगी मसाले में भी होता है, तो थोड़ा सा नमक डालकर लास्ट में इसे मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इसको अच्छे से ठंडा हो जाने दें। तो बस इसे ठंडा कर ले और इसे एक बाउल में मैंने निकाल लिया है। तो अब मैंने ब्रेड लिया है। तो ब्रेड का जो साइड में ब्राउन पार्ट होता है, तो सबसे पहले हम उसे कट करेंगे। तो चारों तरफ से ब्रेड का ये जो ब्राउन पार्ट, इसे निकाल दे चाकू से। तो इसी तरीके से हम जो है सारी ब्रेड को काट कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए निकाल दिया मैंने। अब हम ब्रेड के सारी ब्रेड को इसी तरीके से निकाल के तैयार कर लेंगे। ब्रेड हमारी बन के तैयार है। तो अब हम ये जो ब्रेड का जो ब्राउन पार्ट है उसको एक मिक्सी जार में डालेंगे और इसका ब्रेड क्रंस बनाएंगे। तो इसे भी मैंने ब्रेड क्रंस बना लिया है। तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, इसे साइड रख दें। अब हम एक बाउल में पानी लेंगे। पानी में ब्रेड को डालेंगे और ज़्यादा पानी में ब्रेड को आप ना डालें। और पूरा पानी इसको अपने हथेली की मदद से, ब्रेड में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो अब हम मैगी के स्टफिंग इसमें डालेंगे। तो मैगी हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो 1 चम्मच इसे रख दें इसके ऊपर। तो अब हम अपने हाथों की मदद से इसे अच्छे से दबा दबा कर इसे प्रेस करेंगे, ताकि ये जो है अच्छे से बंद हो जाए और मैगी हमारी तेल में जाने के बाद कहीं से बाहर ना निकले। तो अपने हाथों से इसी तरीके से दबा दबा कर हम कटलेट का सेव इसे देंगे। तो बस इस तरीके से कटलेट हमारा मैगी वाला, मैंने एक कटलेट बना लिया है। तो अब जो हमने ब्रेड क्रम्स बनाया था उससे इसको कोट कर देंगे। उससे ब्रेड क्रम्स से कोट करने से अगर थोड़ा सा भी कटलेट हमारा ये कहीं से खुला भी होगा, तो ब्रेड क्रम लगाने के बाद ये बिल्कुल भी तेल में जाने के बाद नहीं खुलेगा। तो इसीलिए ब्रेड क्रम्स का यूज़ आप ज़रूर करें। इसे एक प्लेट में मैं रख दिया। एक कटलेट हमारा बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम दूसरा बनाकर तैयार कर लेंगे।
फिर से मैंने पानी में ब्रेड को डाला और अपने हथेली की मदद से सारा पानी निकाल दें। अब हम इसमें मैगी रख देंगे, एक चम्मच मैगी की स्टफिंग रख दें और इसे अपने हाथों से दबा दबा कर इसे हम प्रेस कर करके कटलेट का शेप देंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बस आप इसे अच्छे से प्रेस करें ताकि ये हमारा तेल में जाने के बाद खुले नहीं। तो इसी तरीके से गोल गोल घुमाते जाएं और कटलेट का शेप देते जाएं, और जो ये जो साइड का ये जो पार्ट है ये जो खुला हुआ है तो इसे आप ये जो ब्रेड है इससे आप इसके ऊपर कवर कर दें, ये देखिए इस तरीके से, तो ये भी बंद हो जाएगा। तो इसी तरीके से कटलेट का शेप दे दें और ये एक कटलेट हमारा फिर से बन के तैयार है। तो अब जो हमने ब्रेड क्रम्स लिया था उससे इसको कर देंगे कोट ताकि ये तेल में जाने के बाद बिल्कुल भी ना खुले। तो ब्रेड क्रम्स से किया मैंने इसको कोट, दूसरा कटलेट भी हमारा बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम सारे कटलेट को बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे भी मैंने प्लेट में रखा, सारे कटलेट को बना ले। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे मैंने तेल डाल दिया है गरम होने के लिए। तेल को अच्छे से गरम हो जाने दें। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई किया है। तो अब हम एक एक करके इसमें कटलेट डाल देंगे। जितनी कढ़ाई में जगह हो उतना कटलेट डालें, एक साथ ज़्यादा ना डालें। तो एक तरफ से इसे गोल्डन ब्राउन हो जाने दें, उसके बाद हम इसे पलटेंगे। तो तेल को इसके ऊपर डालते जाएं ताकि ये दोनों साइड से पके। तो बस इसी तरीके से अब हम इसको पलट देंगे। एक साइड से कटलेट हमारा पक चुका है तो अब दूसरी साइड भी हम पलट देंगे। ब्रेड को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत ही जल्दी पक जाता है। तो इसी तरीके से हम इसको दोनों साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो इसका ऑयल निकल जाने दें और इसे एक प्लेट में निकाल के तैयार रख लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैगी कटलेट हमारा बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम सारे कटलेट को बनाकर तैयार करेंगे। तो मैगी कटलेट हमारा बनकर तैयार है, आप इसे बनाएं और खाएं। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन ज़रूर से क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको एक कटलेट तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए इसके अंदर स्टफिंग मैगी की कितना बढ़िया बना हुआ है। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी ये बनता है। तो बस कटलेट हमारा बनकर तैयार है।